हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। तो मैं हाल ही में रिलीज हुई एक मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं। वीडियो काफ़ी ही मोटिवेशनल होने वाली है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर से करें। तो मूवी की स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है दामोदर का घर, जहाँ उसको बेटा हुआ है। दामोदर का सपना है कि उसका बेटा श्रीकांत बड़ा होकर एक क्रिकेटर बने, और उसको पता चलता है कि श्रीकांत ब्लाइंड है और उसकी लाइफ आगे जाकर डिफ़िकल्ट होने वाली है, दूसरे पर बोझी बनेगा। उसके सारे रिलेटिव दोस्त उसको एडवाइस देते हैं कि श्रीकांत को वापस वोट को कर देना चाहिए। दामोदर तो रेडी हो गया था श्रीकांत को मारने के लिए, लेकिन श्रीकांत की मॉम दामोदर को मनाती है श्रीकांत को पालने के लिए। उस टाइम बाद श्रीकांत का छोटा भाई भी पैदा हुआ, ये सब स्कूल जाने लगे, और श्रीकांत पढ़ने में भी इंटेलिजेंट होता है। कुछ बच्चे जो स्टडी पे ध्यान नहीं देते थे वो श्रीकांत से जलते थे और कहते थे कि ये अंधा बड़ा होकर क्या ही करेगा, ये बड़ा होकर भीख ही मांगेगा। फिर टीचर दामोदर को एडवाइस देती हैं कि श्रीकांत को हैदराबाद के एक स्पेशल स्कूल में भेजे, वहाँ पे गॉड गिफ्टेड स्टूडेंट्स हैं जिनकी लाइफ बहुत अच्छी है। दामोदर को कोई खर्च नहीं करना पड़ेगा और श्रीकांत की लाइफ बहुत ही अच्छी हो जाएगी और अच्छी एजुकेशन भी मिलेगी। तो दामोदर ने श्रीकांत को वहाँ भेज दिया। यहाँ पर दामोदर को एक टीचर देविका काफ़ी ही सपोर्ट करती हैं। देविका स्टूडेंट्स की ट्रेंड टीचर भी होती हैं और श्रीकांत की दूसरी मॉम की तरह होती हैं। श्रीकांत यहाँ भी अच्छा है, स्टडी करता है और बॉयज़ का हेड भी बन जाता है। एक बार उसी स्कूल में फंक्शन भी हुआ जिसमें उसके ट्रस्टी भी आए और श्रीकांत ने एक स्पीच दी जिसमें उसने कहा कि अथॉरिटी खाने के आधे पैसे को तो खुद ही खा जाती है। अब श्रीकांत को उस स्कूल से निकाल दिया जाता है। अब श्रीकांत के पास ना तो स्टिक थी ना वो अपने शहर में था। ये स्कूल बॉय रोड और कुत्तों के बीच घूम रहा था, फिर ये अपनी टीचर को बुला लेता है। तब तक श्रीकांत को एक कपल ने बेचारा समझ के भीख भी दे दिया था। श्रीकांत पूरा टूट चुका था, उसे भिखारी नहीं बनना था, उसे बड़े होकर जॉब करना था। इसीलिए देविका उसका पूरा सपोर्ट करती है और वो तय करती है कि वो उसे घर पे ही पढ़ाएगी, चाहे उसके लिए उसे स्कूल भी क्यों ना छोड़ना पड़े। देविका ने श्रीकांत की पढ़ाई नॉर्मल बच्चों के साथ तो करा दी। श्रीकांत ने अपनी स्कूल की पढ़ाई में 96% लाया था, लेकिन अब इंडियन एजुकेशन सिस्टम में विजिबल बच्चों के लिए कोई भी सीट नहीं थी। श्रीकांत को आर्ट्स ही मिल पाएगी, लेकिन श्रीकांत को तो साइंस पढ़ना था। इसीलिए श्रीकांत ने इंडियन एजुकेशन पे केस कर दिया और एट द एंड वो केस जीत भी जाता है और डिसेबल बच्चों के लिए इंडियन एजुकेशन में सीट भी रिजर्व हो जाती है। इसी दौरान श्रीकांत को APJ अब्दुल कलाम के एक इवेंट में पार्टिसिपेट करने का मौका भी मिला, जहाँ APJ अब्दुल कलाम बच्चों से मिलकर उनके ड्रीम के बारे में जानना चाहते थे। श्रीकांत अपना ड्रीम डिसेबल फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनना बताया। बाकी बच्चों ने श्रीकांत का खूब मजाक उड़ाया, लेकिन APJ अब्दुल कलाम ने श्रीकांत का सपोर्ट किया और उसे आगे के फ्यूचर के लिए बेस्ट विशेस भी की। श्रीकांत ने कॉलेज में भी टॉप किया और उसका श्रेय उसने देविका को दे दिया। अब श्रीकांत को IIT करना था, लेकिन अगेन वही प्रॉब्लम आ जाती है। श्रीकांत केस करने के लिए तैयार था, लेकिन वो फाइट ही करता रहेगा तो पढ़ेगा कब। इसलिए श्रीकांत ने अदर फॉरेन कंट्री में स्टडी के लिए अप्लाई कर दिया। इसी दौरान श्रीकांत क्रिकेट भी खेल रहा था। श्रीकांत क्रिकेट में भी बहुत बेस्ट था, उसे इंडियन क्रिकेट की जर्सी भी मिल गई थी। श्रीकांत का ड्रीम पूरा भी हो जाता, लेकिन फॉरेन कंट्री से श्रीकांत को स्कॉलरशिप भी मिल गई। श्रीकांत अब्रॉड जाकर स्टडी कर सकता था, इसीलिए उसने क्रिकेट पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बल्कि श्रीकांत MIT में एडमिशन लेने के लिए एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। लेकिन एयरपोर्ट पर एक और प्रॉब्लम हो जाती है, श्रीकांत के विजुअल डिसेबल होने के कारण उसे अकेले जाने के लिए एयरलाइंस वाले इजाज़त नहीं दे रहे थे। श्रीकांत ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, इनफैक्ट उसने अदर पैसेंजर से भी बात की ताकि वो फॉर्मेलिटी के लिए सिर्फ बोल दे कि वो उनके साथ है, लेकिन श्रीकांत की कोई भी हेल्प नहीं करता है। श्रीकांत एयरपोर्ट पे आने से पहले एयरलाइंस के बारे में सारी जानकारी ले लेता है ताकि वो किसी के ऊपर डिपेंड न रहे। फ्लाइट टेकअप करने से पहले वो अपनी एलिजिबिलिटी सबको दिखा देता है और वो बता देता है सबको कि वो फ्लाइट में जाने के लिए खुद ही एलिजिबल है। फिर श्रीकांत बोस्टन आ जाता है। यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम में डिसेबल चिल्ड्रन को देखने का तरीका इंडियन तरीकों से बहुत ही अलग होता है। श्रीकांत यहाँ सब कुछ कर रहा होता है, इनफैक्ट अगर वो इंडिया में होता तो अब तक सिस्टम से लड़ रहा होता। श्रीकांत को यहाँ बेसबॉल खेलने का भी मौका मिला। श्रीकांत को क्रिकेट स्किल की वजह से बेसबॉल खेलने में बहुत ही आसानी पड़ी। श्रीकांत के बारे में इंडिया में मैगजीन में भी आ गया था। यहाँ इंडिया में स्वाति श्रीकांत को फॉलो भी कर रही थी, श्रीकांत के लाइफ के बारे में बहुत ही स्टडी किया था और इसने श्रीकांत को फॉलो रिक्वेस्ट भी भेज देती है। फिर इन दोनों में धीरे धीरे बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। स्वाति भी आगे की स्टडी के लिए US आ जाती है। हाँ, दोनों ने काफ़ी अच्छा टाइम बिताया, इन दोनों की केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये दोनों अभी भी फ्रेंड थे। देविका श्रीकांत को इंडिया बुलाना चाहती है, लेकिन श्रीकांत इंडिया नहीं आना चाहता है क्योंकि इंडिया में उसे कुछ भी अचीव करने में बहुत ही मुश्किल होती है और यहाँ वो अच्छे से नॉर्मल बच्चों की तरह रह रहा है। स्वाति श्रीकांत को समझाती है कि इंडिया में चेंज लाने की ज़रूरत है और श्रीकांत जैसे लोग ही इंडिया में चेंज ला सकते हैं।
रजनीकांत की वजह से ऑलरेडी इंडियन सिस्टम में बहुत ही चेंजेस आ चुके थे और वो अगर इंडिया में गया तो बहुत ही चेंजेस आने लगेंगे। श्रीकांत इंडिया वापस आ जाता है और वहाँ देविका के साथ मिलकर विजुअल डिसेबल बच्चों को कंप्यूटर सिखाने लगता है ताकि वो भी अच्छे से जॉब पा सकें। लेकिन 6 महीने बाद जब इनको जॉब दिलाने की बारी आई तो कोई भी इनकी एलिजिबिलिटी पे भरोसा नहीं कर रहा था, कोई भी इन पे ट्रस्ट नहीं कर रहा था, कोई भी इन्हें जॉब नहीं दे रहा था। अब श्रीकांत सोचता है और कहता है कि मैं खुद इनके लिए जॉब क्रिएट करूँगा। मतलब श्रीकांत पेपर रिसाइकलिंग फैक्ट्री बनाएगा और वहाँ पर ऐसे ही बच्चों को जॉब पर रखेगा। इसी आइडिया के साथ श्रीकांत काफ़ी इन्वेस्टर के पास जाता है लेकिन श्रीकांत के डिसेबल होने के कारण कोई भी उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहा था। बाकियों ने श्रीकांत का मजाक भी उड़ाया। श्रीकांत अगेन एपीजे अब्दुल कलाम से मिलता है। एपीजे अब्दुल कलाम श्रीकांत को देख के पहचान जाते हैं और उसे लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करते हैं और श्रीकांत अपना ड्रीम बताता है। एपीजे अब्दुल कलाम उसके इस आइडिया पर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं और 25 लाख इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन ये इनफ नहीं था, इसीलिए श्रीकांत रवि के पास जाता है और उसे अपने टैलेंट के दम पे इम्प्रेस कर देता है। उसे बताता है कि पेपर रिसाइकलिंग कंपनी बहुत ही आगे जाएगी, इसीलिए रवि उसके इस आइडिया पे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाता है और श्रीकांत के कंपनी में 8 करोड़ इन्वेस्ट कर देता है। अब श्रीकांत की कंपनी स्टार्ट हो जाती है। लोग श्रीकांत को इंडियन एजुकेशन चेंज और जॉब देने की अपॉर्चुनिटी को देख कर लोग उसे गोल्ड मानने लगे थे। श्रीकांत को फुल हीरो वाला फीलिंग आ रहा था। अब कंपनी को 1 ईयर हो जाता है, कंपनी काफ़ी ग्रो करती है। मीडिया वाले सारा क्रेडिट रवि को दे देते हैं और कहते हैं कि रवि ने श्रीकांत की हेल्प की वरना श्रीकांत धक्के ही खाता फिरता। ये बात श्रीकांत को हर्ट कर गई। वो अपने मेहनत का क्रेडिट अपने आप को देना चाहता था। वो चाहे तो रवि जैसे काफ़ी इन्वेस्टर को ला सकता है लेकिन श्रीकांत ये भूल गया कि रवि ने उससे उस वक्त साथ दिया जिस वक्त वो धक्के खा रहा था और कंपनी की और ज़्यादा ग्रो करने के लिए बिजनेस अवार्ड जीतने के लिए वो बैंक से और लोन ले लेता है। पॉलिटिक्स में भी जाने के लिए सोचने लगा क्योंकि आगे की फाइट में अगर से पॉलिटिक्स सपोर्ट मिलेगा तो वो सफल होगा। रेड्डी ने श्रीकांत को अच्छे वर्क करने के लिए और अपने पार्टी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए अपने पार्टी में सीट देने के लिए ऑफर कर दी। श्रीकांत को लगता था कि वो अपने हार्ड वर्क और इंटेलिजेंस की वजह से ऊपर जा रहा है लेकिन कहीं ना कहीं उसको लगता था कि वो अपने अंधे होने का फ़ायदा उठाते हुए शॉर्टकट से सक्सेस पा रहा है। श्रीकांत ने अपने ईगो के चक्कर में रवि और स्वाति को भी हट कर दिया था। देविका ने श्रीकांत को समझाया कि ये पहले वाला श्रीकांत नहीं है, मैं तुम्हें अंधा नहीं मानती थी लेकिन तुम्हें रेड्डी ने अंधा बना दिया है और ये श्रीकांत पहले की तरह नहीं रहा है जो पहले की तरह काम मांगता था बल्कि अब शॉर्टकट से सक्सेस पा रहा है। अब श्रीकांत रेड्डी की पार्टी छोड़ देता है और रवि और स्वाति से भी माफ़ी मांग लेता है। अब इन दोनों ने कंपनी को काफ़ी ग्रो कर दिया था। अब इनकी कंपनी को श्रीकांत को बिजनेस अवार्ड भी मिल रहा था। श्रीकांत का ड्रीम था बिजनेस अवार्ड लेकिन वो उसे वापस कर देता है क्योंकि वो शॉर्टकट से आगे नहीं बढ़ना चाहता है। लोगों से इसे नॉर्मल तरीक़ों से बात करने के लिए कहा और बेस्ट बिजनेस का अवार्ड मिलेगा तब ये लेगा, इसने कहा। दोस्तों ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है तो कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर से करें।